प्रबंधन करते। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन तब भी आप सबको एक बार याद दिला देती, 4 नवंबर 1995 को डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी ने अपना दल की स्थापना की। अंबेडकरवादी सोच, छत्रपति शाहू जी का मिशन, फूले की विचारधारा को लेकर दलितों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यक आदिवासियों को सत्ता में स्थापित करने के लिए सामाजिक न्याय के मार्ग से होते हुए व्यवस्था परिवर्तन के नारे को बुलंद करते हुए अपना दल की स्थापना की। समूचा उत्तर भारत में अरबों खरबों लोगों ने पूरी ताकत के साथ इस सामाजिक न्याय के आंदोलन को बढ़ाते हुए डॉक्टर सोनीलाल पटेल के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लड़ा। डॉक्टर सोनीलाल पटेल जो सामाजिक न्याय की एक मुखर वक्ता थे, उन्होंने इस बात को समझा और एहसास किया कि दलित, पिछड़ा, शोषित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, किसान, कमेरा, मजदूर समाज इस देश में चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, जाति भेद के शोषण का शिकार होते होते आज हाशिए पर आ गया है। और इस समाज के उत्थान के लिए डॉक्टर साहब ने दिन रात काम किया, ये समझ लीजिए, और समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जाति भेद के विरोध के आंदोलन एक लंबा चला सामाजिक आंदोलन और वंचितों, शोषितों के हक मारी के विरोध के आंदोलन के बाद उनके गर्भ से अपना दल का जन्म हुआ है। और ये लड़ाई चल रही है। जब ये डॉक्टर साहब लड़ाई लड़ रहे थे, दूसरी छोर पर 70 से 80 के दशक में लोहिया के समाजवादी आंदोलन से उभर करके माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी की नींव रखने का काम किया। इस बात का एहसास है जो आज यहां बुजुर्गान बैठे हैं, उन्होंने वो हमारे दोनों ही पुरोधा चाहे समाजवादी सोच के रास्ते आगे बढ़े हों और चाहे सामाजिक न्याय के रास्ते आगे बढ़े हों, हमारे नेता, हमारे पुरोधा माननीय नेताजी और डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी ने आजीवन अगर संघर्ष किया है तो संघर्ष किया है वंचितों को न्याय, हक, अधिकार दिलाने के लिए। और आज देखिए इस देश की स्थितियां क्या है। हिमालय की चोटी से लेकर समुद्र पर्यंत इस देश के 3200 किलोमीटर के फासले के एक एक इंच पर आज वो सामाजिक न्याय की विरोधी ताकतें आपको हाशिए पर लाने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही। तो अब करना क्या है? अब सवाल ये उठता है कि करना क्या है। तो करना ये है कि यहां पर समाजवादी पार्टी की सोच के लोग, अपना दल की व्यवस्था परिवर्तन के सोच के लोग, जिनका समागम आज इस सभा में हुआ है, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे पुरोधा जो आंदोलन आधा अधूरा समय छोड़ के गए हैं, उस आंदोलन को हमें और तेजी से, पूरी ताकत से, पुरसोरी के साथ आगे बढ़ाना है। ये समझ लीजिए कि सामंतवादी व्यवस्था जो इस देश को चला रही थी, जो विघटनकारी पारंपरिक राजनीति ढांचा तो इस देश में चल रहा था, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी और अपना दल का जन्म हुआ था। एक बार एहसास करिए, इस साहस को अपने अंदर जुटाइए कि माननीय नेताजी
नीचे कुचल ना दिया जाए। मैं इतना तो जरूर कहना चाहूंगी, डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी के विषय में कि इस आजाद भारत में बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद कुशवाहा के बाद डॉक्टर सोनीलाल पटेल का इस देश की राजनीति में एक ऐसा कद था जिनके बढ़ते हुए रसूख और जिनके बढ़ते हुए जनाधार के बाद इस आजाद भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कलंकित करते हुए 23 अगस्त 1999 को पीडी टंडन पार्क में चुनावी जनसभा के दौरान बेरंगी से मारा पीटा गया और इस कदर मारा गया कि उनके प्राण निकल जाते हैं। ये कलंकित करता है इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और बताने का काम करता है कि अगर आपके दिल में सामाजिक न्याय की अलख जगी हुई है, व्यवस्था परिवर्तन आप करना चाहते हैं और इस देश की सामंतवादी व्यवस्था से आप लड़ना चाहते हैं तो वह आपको कुचलने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। और ये लगातार होता चला आ रहा है। आज हमारे दोनों ही पुरोधा हमारे बीच में नहीं है तो हम माथे पे हाथ रख करके सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अगर नेताजी होते तो ये होता और अगर सोनीलाल पटेल होते तो ये होता। अरे हम ये क्यों नहीं कहते कि उनकी पीढ़ियां होने के साथ साथ हमारे अंदर मानता है, वो साहस है कि अगर वो नहीं है तो उनके दिए हुए समाज के हर संकल्प को पूरा करने का मादा हम कार्यकर्ता और समर्थकों में। कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सभी का स्वागत करते हुए
नमक उठाए, जय अपना दल, जय समाजवाद, जय संविधान।